हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, मजे में हो? उम्मीद करते हैं भाई साहब सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि फ्रेंड आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। चलते हैं फ्रेंड अपने क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड, मेरा क्वेश्चन है, दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज नोन एज। ऑप्शन है रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड कंपोजिशन, बी है सिंथेसाइज ग्लूकोज, एंड सी है रेगुलेट ब्लड प्रेशर, एंड डी है गोनेट्स। तो फ्रेंड, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मींस गोनेट्स इज माय राइट आंसर। फ्रेंड चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेम दी साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन, मींस शुक्राणु परिपक्वन स्थल का नाम बताइए। फ्रेंड ऑप्शन है इपिडिडाइमिस, बी है डक्ट डिफरेंस, सी है स्पर्मेटिक कॉर्ड, एंड डी है यूरेथ्रा। तो फ्रेंड, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, इपिडिडाइमिस में जो है फ्रेंड स्पर्म का मेचर होता है उसमें। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट मित्र। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन। फ्रेंड कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पुरुष सेक्स हार्मोन का उत्पादन करता है? ऑप्शन है रेट टेस्टिस, बी है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, एंड सी है लाइडिक सेल, एंड डी है स्क्रोटम। तो फ्रेंड, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मींस लाइडिक सेल इज माय राइट आंसर। फ्रेंड चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट सूत्र। फ्रेंड हमारे नेक्स्ट सूत्र कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शुक्राणु के लिए ऊर्जा का स्रोत है? तो ऑप्शन ए है सोमेटोस्टेन, स्टेटिन, बी है प्रोस्टेग्लैंडिन, एंड सी है प्रोटीन्स, एंड डी है फ्रक्टोज। तो फ्रेंड, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मीन फ्रक्टोज जो है फ्रेंड ये एनर्जी का सोर्स है स्पर्म के लिए। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मार्क दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है, प्रोस्टेट ग्रंथ के बारे में गलत कथन को चिन्हित करें। ऑप्शन है लोकेटेड इन्फीरियर टू दी यूरिनरी ग्लैंडर, बी है सिक्रीशन इज थिन एंड मिल्की कलर, एंड सी है सिक्रीशन इज एसिडिक इन नेचर, एंड डी है फंक्शन इन इंक्रीजिंग द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो फ्रेंड, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मींस सिक्रीशन इज एसिडिक इन नेचर। ये जो है फ्रेंड प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट मित्र। फ्रेंड वहाँ नेक्स्ट कह रहा है, द फ्लूइड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरी ग्लैंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन अ वजाइना ऑफ द फीमेल। फ्रेंड कौन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सहायक ग्रंथ से निकलने वाला द्रव फीमेल की वजाइना में अम्लता को निष्क्रिय कर देता है? फ्रेंड ऑप्शन है सेमाइनल वेसिकल, बी है प्रोस्टेट ग्लैंड, सी है कॉपर ग्लैंड, एंड डी है यूरेथ्रा। तो फ्रेंड, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी,
इंश का अपर ग्रंथ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट की तरफ। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन डज नॉट सिक्रेट फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटम। तो फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित नहीं होता है। फ्रेंड ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, बी है प्रोजेस्टेरोन, सी है रिलैक्सिन एंड डी है टेस्टोस्टेरोन। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, टेस्टोस्टेरोन जो होता है फ्रेंड ये कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट नहीं होता है फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच मोस्ट ऑफ द गोनिया डीजेनरेटेड बिफोर द बर्थ। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा अधिकांश उगोनिया जन्म से पहले डीजेनरेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है इट्रेसिया, बी है जोना प्लेसिडा एंड सी है एक्रोसोम एंड डी है ग्रेनुलोज सेल्स। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मींस इट्रेसिया इज माई राइट आंसर फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी हार्मोन विच इज एट पीक ड्यूरिंग ओवुलेशन। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है, उस हार्मोन का नाम बताइए जो ओवुलेशन के दौरान चरम पर होता है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजन, सी है FSH एंड डी है LH। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मीन्स ओवुलेशन के दौरान फ्रेंड LH हार्मोन जो है ये चरम पर रहता है। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अंग को पुरुष प्रजनन ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है स्क्रोटम, बी है टेस्टिस, सी है सेमाइनल वेसिकल एंड डी है पेनिस। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मीन्स पेनिस इज माई राइट आंसर फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेयर द स्क्रोटम लाइज, मीन्स क्वेश्चन कह रहा है अंडकोश कहाँ स्थित है। फ्रेंड ऑप्शन ए है बिलो द पेल्विस सिंफाइसिस, बी है अबव द पेल्विस सिंफाइसिस एंड सी है बिहाइंड द पेल्विस सिंफाइसिस एंड डी है इन फ्रंट ऑफ पेल्विस सिंफाइसिस। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मींस बिलो द पेल्विस सिंफाइसिस इज माय राइट आंसर फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड वन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन्स फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है, पुरुष प्रजनन प्रणाली में फंक्शन इनमें से किसके अंतर्गत आता है। फ्रेंड ऑप्शन ए है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड बी है डिलीवरी ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन एंड सी है मैट्यूरेशन एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मींस ऑल ऑफ द अबव इज माय राइट आंसर फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच लेयर ऑफ टेस्टिस डिवाइड द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस इंटू लोबुल्स। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि वृषण की कौन सी परत वृषण की ग्रंथियों की संरचना को लोबुल्स से विभाजित करती है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है ट्यूनिका बिजानेलिस, बी है ट्यूनिका अल्बुजिनिया एंड सी है ट्यूनिका वेस्कुलोजा एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी,
मीन्स ट्यूनिका अलगू जीनिया इज माई राइट एंड द फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गन्स सस्पेंड द टेस्टिस इन द स्क्रोटम। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अंग अंडकोश में वेश्चण को निलंबित करता है। फ्रेंड ऑप्शन ए है सेमाइनर वेस्कल, बी है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स एंड सी है स्क्रोटम इट्सेल्फ एंड डी है इजाकुलेटरी डक्ट। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी मींस स्पर्मेटिक कॉर्ड इज माय राइट आंसर। फ्रेंड चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द पेनिस। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग का सॉफ्ट पार्ट की विशेषताएं क्या हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है एक्सटर्नली विजिबल, बी है मूवेबल पार्ट ऑफ द ऑर्गन एंड सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी मींस बोथ ए एंड बी इज माय राइट आंसर। फ्रेंड चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है विद इन ईच लेबल ऑफ टेस्टिस आर द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स एंड बी है द सेमिनल वेसिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेल दियर स्टोर्ड कंटेंट्स एंड सी है द डिफरेंट डक्ट पास डाउनवर्ड फ्रॉम द टेस्टिस थ्रू द इनड्यूइनल कैनाल एंड डी है ट्यूनिका ग्लूकोजा कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कैपिलरीज। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज माय राइट आंसर। फ्रेंड चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ द सेमिनल वेसिकल एंड डिफरेंट डक्ट। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है कि सेमाइनल वेसिकल और डिफरेंट डक्ट के मिलन से क्या से कौन सी संरचना बनती है। तो फ्रेंड ऑप्शन है इजाकुलेटरी डक्ट बनती है, बी है प्रोस्टेट ग्लैंड बनती है, सी है क्रोथ्रा बनती है एंड डी है स्पर्मेटिक कार्ड बनता है। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए मींस इजाकुलेटरी डक्ट इज माय राइट आंसर। फ्रेंड फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गन वर्क एज अ पैसेज वे फॉर बोथ यूरिन एंड वेल एज सीमन। फ्रेंड ऑप्शन ए है पेनिस, बी है टेस्टिस, सी है स्पर्मेटिक कार्ड एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी इज माय राइट आंसर। फ्रेंड चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इनकम्प्लीट डिसेंट ऑफ द टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड क्रिप्टोस्टिडिज्म। फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है अंडकोश तथा अंडकोश में अधूरा उतरना क्रिप्टोस्टिडिज्म कहलाता है। ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स। तो फ्रेंड इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए मींस ट्रू इज माय राइट आंसर। फ्रेंड तो फ्रेंड आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।